उनके पास कुछ बड़ी चीजें होंगी भाई, हो सकता है जुटाई हो, सकता है चीजें मिली हो, पर 3 घंटे की पूछताछ में कुल मिला के एक एक 3 पैराग्राफ का नोट था मेरा। ये किसी समय DCW ने मेरे से पूछा था, क्लेरिफिकेशन लिया था कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी को, DCW में चेयरमैन है, उसके मेंबर्स हैं, साथ साथ एक ऑफिसर होती है, मेंबर सेक्रेटरी को ही होता है वहाँ, तो उस ऑफिसर को कितनी पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स हैं कि नहीं है, उस पर क्लेरिफिकेशन मांगा था फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो क्लेरिफिकेशन हमने उनको 1 मार्च 2016 को दिया था। ये 3 पैराग्राफ का क्लेरिफिकेशन है। इसमें मैंने ये लिखा है कि भाई FD इस ओपिनियन के, मतलब इसकी ओपिनियन ये है कि दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन 1994 के एक्ट के हिसाब से बना है, और उस एक्ट के तहत उसके मेंबर सेक्रेटरी को पावर्स हैं, और उसी के तहत, एक्ट के तहत और उसके रूल्स के तहत ही उसकी पावर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स इंक्लूडेड है, बीच में भी एक्सरसाइज थ्रू मेंबर सेक्रेटरी, और बाकी है कि उसको बाकी फाइनेंशियल फॉलो करनी होगी। तो 3 घंटे की पूछताछ इस 3 पैराग्राफ के नोट के ऊपर हुई कि जी ये क्या है। मुझे समझ नहीं आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया एक आधा पेज है, आधा पेज भी नहीं है, 4 लाइन का, 3 पैराग्राफ का एक क्लेरिफिकेशन, इतना बड़ा क्राइम क्या हुआ, इसमें गलत क्या है। मैंने पूछा भी SCB के अधिकारियों से कि भाई आपको कैसे लगा कि ये गलत है, मेरा कसूर क्या है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपने मुझे बुलाया है पूछताछ करने के लिए, कुछ तो लगा होगा कि आपने, आपको इनका इस नोट में गलत क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मेरा क्या कसूर है, मुझे ये तो बताओ, आप लोग पूछताछ कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। बस इसके इर्द गिर्द 3 घंटे बात चलती रही। कुल मिला के अगर मैं देखूं उस पूछताछ में भी, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि बुलाया क्यों, उससे पहले भी हमारे 2 मंत्रियों को बुलाया जा चुका है, ये सब चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए हैं, पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए थे। पिछले 20 साल में जितनी जिस गति से काम हुए, उससे कहीं ज्यादा काम पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने किए, 24 घंटे काम किया है मंत्रियों ने। आज दिल्ली में लोग कुछ भी कहते रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाखों लोग खुश हैं उनके घर में पानी के बिल 0 आ रहे हैं, लाखों लोग खुश हैं उनके घर में बिजली के बिल आधे आ रहे हैं, और पानी तो 300-400 कॉलोनी है करीब, अभी तो नहीं जुड़ गई है, 100-250 करीब पहले थी, 300-350 कॉलोनीज में पानी नहीं पहुंचा था, वो पहुंच गया, ये सबके टैंकर माफिया बंद हो गए, स्कूल प्राइवेट स्कूलों को तो धंधा बनाया हुआ था मंत्रियों ने, पुराने सरकारों के लोगों ने, इवन कुछ अफसरों ने भी, और फीस बढ़ाते रहते थे प्राइवेट स्कूलों की, लूट मचाते रहते थे। पहली बार दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी, ये बहुत बड़ा काम हुआ। पेरेंट्स खुश हैं, लाखों लोग, गरीब लोग खुश हैं, मिडिल क्लास का पेरेंट खुश हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुश हैं, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, वहां पे पहली बार पढ़ाई का माहौल बन रहा है, इससे घबराए हुए हैं लोग, ये कह रहे हैं ये कैसे हो रहा है। मैंने बताया, मैंने कहा आप तो DCW की फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहे हो, मैं तो प्रिंसिपल्स को बहुत, दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल पावर देना चाहता हूं, क्योंकि हर छोटी छोटी 2-4 हजार खर्चे के लिए आपको फाइल भेजनी पड़ती है ऊपर डायरेक्टरेट में, फाइनेंस में, प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए पावर चाहिए, मैं तो वहां प्रिंसिपल को भी पावर देना चाहता हूं, इसी चीज से घबराए हुए हैं। अगर दिल्ली में सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों के हेड्स को पावर्स मिलने लगी और वो काम करने लगे, तो ये तो सरकार का जो तंत्र है ऊपर से कमीशन खाने वालों को खराब हो जाता है। तो दिल्ली में काम हो रहा है, मैंने कहा पिछले 20 साल की सरकारों में, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, BJP की सरकार भी रही, LG साहब का रूल भी रहा, जितनी तेजी से दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में काम किया, मैं चैलेंज देके कहता हूं, गिना के देख लें, कहीं डिबेट में आ जाए, कहीं निकाल के देख लें लिस्ट, जितने काम दिल्ली सरकार में हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में किए, पिछले 20 साल में लोगों ने नहीं कर पाए। और अब मैं आपको बोलूं,
हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम हो रहा है, 8,000 नए कमरे बन रहे हैं, गेस्ट टीचर्स की हम लोग सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स को पावर दी, नए स्कूल भी बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सारे टेस्ट होने लगे, तो हॉस्पिटल्स को लेके खुश हैं लोग, किसान खुश है, वो एजी साहब ने रोकते हैं लेकिन किसान को फिर भी उम्मीद है कि ये सरकार इसको करवाएगी, मजदूर खुश हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इन सब से ये लोग घबराए, इनको लग रहा है दिल्ली सरकार काम कैसे कर रही है हमारी इतनी अड़चनों के बावजूद, इसलिए कभी ACB का पीछे लगा देते हैं, कभी अब बताओ तीन छोटे से नोट पे उठा के 3 घंटे पूछताछ करते हैं मंत्री को बिठा के, पूछताछ करते हैं, सबको डरा के रखते हैं, उनको तो जेल में भिजवा देंगे, ये चाहते हैं कि मंत्री और अफसर काम ना करें, इसलिए ये ACB CBI इन सब की पूछताछ चल रही है, करें खूब करें, हमारे पास तो सारे सवालों के जवाब है, पर जब हम सवाल पूछते तो तब जवाब क्या, मैंने पूछा मेरा कसूर क्या था, उसका कोई जवाब नहीं, ये 3 पेज का नोट लिखना कहाँ से कसूर हो गया उसका कोई जवाब नहीं, तो हमारे सवालों के जवाब नहीं, तो एक तो आपके सामने यही रखना चाह रहा था कि आज ACB की पूछताछ हुई, बहुत बढ़िया पूछताछ हुई, 3 पेज 3 पैराग्राफ के नोट पे 3 घंटे तक पूछताछ हुई और सवाल तो एक भी नहीं था अगर मैं ईमानदारी से कहूँ। दूसरा एक आज की मीटिंग हुई थी सुबह, बेसिकली जैसे मैंने बताया ACB पूछताछ कर रही है, CBI कर रही है, इनकम टैक्स को भी लगा रखा है, सबको लगा रखा है, तो ऐसे ही एक LG साहब ने कमेटी बनाई है सुमलू कमेटी, वो भी आजकल रोज पूछताछ कर रही है, 400 फाइलें उन्होंने हमारी सीज करके रखी हुई हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलें, उसमें मोहल्ला सभा की फाइल है, उसमें नए स्कूल बनाने की फाइल है, उसमें कमरों की फाइल है, नए कमरों के प्रस्ताव की फाइल है, उसमें स्कूलों में स्टेट मैनेजर नियुक्त होने, क्लरिकल स्टाफ नियुक्त होना है उसके बारे में फाइल है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक के बारे में फाइल है, तो ये सारी फाइलें रोक के रखी हुई हैं उन्होंने वहाँ पे, और जांच चल रही है, क्या जांच चल रही है, फाइलें जब्त कर ली, अब अफसरों को बुला के पूरे दिन बिठाए रखते हैं, वो कोई रिकॉर्ड नहीं होती, जो अफसरों को नोटिस जाते हैं समझ जाते हैं वो कोई रिकॉर्डिंग में नहीं आते, फोन पे बुला लेते हैं आप आ जाओ, तो बिठा रखते हैं वहाँ पे, तो हमने आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले एक लेटर लिखा था सुमलू साहब को, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपकी कमेटी के जो आप सहित 3 सदस्य हैं काफ़ी डिग्निटी वाले लोग हैं, पूरे देश में आपकी इज्जत है और आप इस बात का सम्मान करेंगे कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो आपकी कमेटी अपनी फंक्शनिंग रोक दे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले तक, उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था, उन्होंने कहा अभी थोड़े दिन पहले उनका जवाब आया कि ये मामला LG साहब और आपके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, हम इसमें डिसीजन नहीं ले सकते, आप लोग जैसे, उन्होंने उसको LG साहब को भेज दिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कैबिनेट में रखी थी, कैबिनेट के सामने, कैबिनेट में उन सारे इश्यूज पर चर्चा हुई और उसके बाद कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन सारी चर्चा के बीच से निकल के आया कि LG साहब ने ये कमेटी बनाई कैसे, उनके पास किसी एक्ट में किसी कानून में कोई पावर नहीं है ये कमेटी बनाने की, इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कहीं से फाइल लेने की, संविधान में जो संशोधन होकर जब हुआ था तो दिल्ली सरकार बनी जिसके तहत JNCTD एक्ट में और DBR में कहीं कोई पावर नहीं है LG साहब के पास में इस तरह की कमेटी बनाने की, LG साहब के पास में 2 ही पावर्स हैं दिल्ली सरकार से फाइल लेने की, 45A और रूल 45B, JNCTD एक्ट की धारा 45B और रूल 15 TBR का, उसके तहत LG साहब फाइल मंगा सकते हैं। तो हमने आज पूछा है एक रिजोल्यूशन पास करके LG साहब से कि जी आपने इस कमेटी को जो फाइल दी है, आपने फाइलें मंगाई सारे अफसरों को ऑर्डर करके और इस कमेटी को गठन करके वो सारी फाइलें इसको दे दी हूँ, सारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, TBR के हिसाब से फाइलें देखने का अधिकार या तो अफसरों को है या मंत्रियों को है या LG साहब को है 45B और 17 के हिसाब से देखें, लेकिन ये एक कमेटी बना के वो कमेटी फाइलें देखेगी ये पावर कहाँ से, ये तो पावर कहीं नहीं है, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये तो कानून के खिलाफ है, तो हमने LG साहब को कहा कि हमारे पास में दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली की कैबिनेट के पास
239 ए के क्लॉज 4 के तहत एलजी साहब को एरिया एडवाइस देने की पावर है। संविधान ने दिल्ली की कैबिनेट को पावर दिया है कि हम एलजी साहब को एरिया एडवाइस कर सकते हैं, तो हमने उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए एलजी साहब को एरिया एडवाइस दी है कि आप इस कमेटी को भंग कर दीजिए। उनको एडवाइस दिए, हमने उनको सलाह दी है इस बात की कि ये कमेटी आप भंग कर दें, ये बिना रूल के बिना कानून के बनी है। संविधान में इस तरह की कमेटी बनाने का या किसी कानून में इस तरह की किसी तरह की कमेटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और हमने उसमें ये भी कहा है कि आपने ये कमेटी हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से बनाई है, जबकि हाईकोर्ट के फैसले में जो 4 अगस्त का फैसला था उसमें कहीं नहीं कहा गया कि ये कमेटी कोई कमेटी बनाएंगे या उस हाईकोर्ट से पहले के फैसले की समीक्षा कराएंगे एलजी साहब। ये पावर एलजी साहब को हाईकोर्ट के फैसले में भी कहीं नहीं दी गई, उसके बावजूद उन्होंने कमेटी बना के ये 3 सदस्य कमेटी बनाई है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, एडेड एडवाइस में उनको सलाह दी है संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों के तहत कि आप इस कमेटी को भंग कर दें। और ये जो कमेटी अफसरों को बिना नोटिस के बिना राइटिंग में नोटिस दिए हुए बुला रही है, सारी फाइलें आपने उनको दे दी हैं, दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की फाइलें हैं, इन सब फाइलों को लौटाएं, ये हमने कहा। गवर्नमेंट तो देखिए फेयरफुल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले 1.5 साल में जिस तरह से दिल्ली के लोग खुश हैं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में, गरीब लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए हैं और काम हुआ है दिल्ली में, उससे कई राजनीति को धंधा बनाने वाले लोग, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा जिन लोगों ने बना रखा था, वो लोग बहुत दुखी है, वो फेयरफुल जरूर है। पता नहीं है तो उनके बॉसेस बताएंगे, पॉलिटिकल बॉसेस। सर आपने कहा कि आपको एक पावर है कि आप एड एंड एडवाइस दे सकते हैं, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी सेम टीवीआर और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहता है कि ही इज नॉट अबाइड बाय योर एड एंड एडवाइस। नहीं, वो उन्होंने ऐसा कहीं किसी टीवीआर में नहीं लिखा हुआ कि ऐसा किसी, ये बार बार राजनिवास से कहते रहे कि वो कहीं से भी आपकी राय मानने के लिए बाधित नहीं है। और साथ ही में जो इसको लेकर के कि आप कमेटी नहीं बना सकती, बाधित नहीं है या बाधित हैं, ये सब अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तय होगा कौन सी चीजें बाधित हैं कौन सी चीजें नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमको एडवाइस देने से नहीं रोका गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर्विसेज को छोड़ के बाकी किसी उस पर टिप्पणी नहीं है एडेड एडवाइस पे। दिल्ली और संविधान के तहत पावर है हमको, 239 ए क्लॉज 4 में हमको पावर है, एडेड एडवाइस तो हम देंगे। एलजी साहब ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी है सरकारी फंड के दुरुपयोग को लेकर, चाहे वो टॉप लेके प्रोग्राम हो या थाली के इशू को लेकर हो या फिर जो पीडब्ल्यूडी का इशू है, इसमें जांच कमेटी बैठाई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी कमेटियाँ क्या हैं, ये सारा एसीबी कमेटी, ये वो, हम लोग भी बीच बीच में आप लोग भी छाप देते हो कभी कभी तोता मैना, ये सब कर क्या रहे हैं? ये सब इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार इनके तमाम रोलों के बावजूद काम कर रही है। और आज भी दिल्ली में नए स्कूलों पे काम हो रहा है, दिल्ली में नए कमरे बन रहे हैं, दिल्ली के एजुकेशन इंस्टीट्यूट ठीक हो रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक पे काम हो रहा है। इसलिए इसलिए इनको लग रहा है इसको रोको किसी तरह से, तो ये रोकने की कोशिश है। सर स्टाफ के अलावा भी कुछ कैबिनेट में नहीं,